the beautiful nature. ये रिजॉर्ट जो कि अभी टूट के बन रहा है नया, यहाँ पे हरियाली काफी खूबसूरत है। ये देखो इधर न्यू पुल बन रहा है, नीचे नदी है और सबसे खूबसूरत था पहले, लेकिन अब उधर भी बन रहा है, हम लोग देखेंगे। इसमें हरियाली काफी सुंदर है और भी यहाँ पे बहुत कुछ है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ और थोड़ी देर से दिखाऊंगा। देखो क्या ब्यूटी है, पार्क की तरह इन्होंने इसको सजाया हुआ है। पहले काफ़ी अलग था और अब काफ़ी अलग है। उधर ट्रेन का डिब्बा भी रखा हुआ है जो कि मैं आपको, बहुत पुराना है। देखो बदक, ट्रेन का डिब्बा, बदक भी है, ट्रेन का डिब्बा है। ये देखो ये ट्रेन का डिब्बा, ये अभी बन रहा है पूरा, तो अभी यहाँ का व्यू बहुत शानदार है। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसका व्यू जो देखने का है एक नंबर शानदार है। इसका व्यू देखिए उससे कितना शानदार लगता है। वो डैम बना हुआ है उधर बहुत, और यहाँ से ये व्यू, इसको कुनू रिजॉर्ट बोलते हैं। कुनू अभ्यारण्य यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे नीचे नदी है जिसमें हम थोड़ी देर से नहाने वाले हैं। और ये तोप है जो कि पुराने ज़माने की है, ये रेस्टोरेंट है जो कि बन रहा है अभी नया। और उधर रूम्स हैं, एसी रूम्स हैं, उधर काम चल रहा है इसलिए भीड़ ज़्यादा है, वैसे अधिकतर बहुत कम लोग की। ये देखो ये पुराने ज़माने की तोप रखी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है इस चीज़ को। और ये देखो ये पुल भी बन रहा है यहाँ पे, ये नदी है जिसमें हम लोग जाने वाले हैं नहाने के लिए। और यहाँ पे गजब रुकने की व्यवस्था है, तू वो जानो बोतल लिया भाई यार, वो वीडियो बना रहा था वो डाला। और ये भी एसी रूम्स हैं बढ़िया गजब के। यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे, उसमें नहाएंगे बढ़िया तबीयत से, नहा सकते हैं नीचे। बस यहाँ बहुत ही शानदार बीच है, पीछे देखो ऊपर देखो काफी अच्छा बीच दिख रहा है, उधर दिखाओ वो, और नीचे भी बैक में काफी अच्छा व्यू है पीछे जैसे मुड़। एक मैं, शुभम और अमन चारों नीचे नहाने के लिए जा रहे हैं। बैक में जो कैमरा है वो पीछे नदी में नहाने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ संजीव है, मैं हूँ और भी है बहुत सारे, और नीचे काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। तो वो संजीव है वो जा रहा है, ये पीछे नदी में नहाएंगे हम लोग। बढ़िया देखो भीड़ देखने के लिए ये लोग गार्डन, ये है कुआ।
रिजॉर्ट है जिसका काम चल रहा है। कौन है संजीव पुरली like a Hellcat.